तो दोस्तों आज है 1st of April एंड सब लोगों को हैप्पी अप्रैल फुल डे। अब ये वाला जो वीडियो है ये आप लोग का अप्रैल फुल वाला वीडियो नहीं है, ये आप लोग का जेन्युइन कंटेंट एंड जेन्युइन वीडियो ही होने वाला है। जो आप लोग का कल के दिन आप लोग का रिवील होकर आया है वही मैं आप लोग को न्यूज़ जो है यहाँ पर बताऊँगा, क्योंकि कल के दिन यहाँ पर BGMI के ही बोल सकते हो कुछ यहाँ पर ऑफिशियल टाइप का फिर से कुछ न्यूज़ यहाँ पर निकल के आया है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कुछ भी अगर ऑफिशियल टाइप का न्यूज़ यहाँ पर आता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का गेम का क्या चल रहा है। क्योंकि देखो BGMI को लेकर अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ रहा है कि अप्रैल मंथ में आएगा, कब आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन अप्रैल मंथ में आने का जो चांस है बहुत ही हाई है। तो 1st April को ही आएगा ऐसा मैंने कभी भी नहीं बताया था, एंड कोई भी दूसरा क्रिएटर भी ऐसा नहीं बताया था कि आप लोग का 1st April को ही आएगा, बोला था कि अप्रैल मंथ को आएगा। ठीक है, कोई भी क्रिएटर ने ऐसा नहीं बोला था कि आप लोगों का 1st April को ही आएगा, तो सब लोगों ने यही बोला था कि आप लोगों का अप्रैल मंथ को आएगा। तो अप्रैल मंथ में आप लोगों का बहुत दिन है, मतलब 30 days आप लोगों का है, तो 1st April को छोड़ के आप लोगों का बाकी 29 days के अंदर हो सकता है कुछ ऑफिशियली यहाँ पर आ जाए। लेकिन जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं आता है, जितना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों का ऑफिशियल टाइप का न्यूज़ आता है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ एंड करता रहूँगा ताकि आप लोग अप टू डेट रहो कि क्या क्या यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑफिशियल टाइप का न्यूज़ आया है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अनुज टंडन के बारे में तो पता होगा, अनुज टंडन कौन था, आप लोगों का क्राफ्टन का एक्स एम्प्लॉय था। तो उन्होंने 12th of October को मोस्ट प्रोबेबली जो है क्राफ्टन का जो ऑफिस है उसको लीव किया था, एंड उसको लीव करने के बाद वो दूसरा एक कंपनी ज्वाइन किया था, जेट सिंथेसिस कंपनी। ठीक है, जो भी आप लोग का गेमिंग टाइप का एक सेक्टर बोल सकते हो इंडिया के अंदर है, तो वो कंपनी ज्वाइन किया था एंड वो क्राफ्टन का एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं। तो उनकी तरफ से कल के दिन एक बहुत ही ओपी वाला चीज़ यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर आया है, वो है कि आप लोग देख सकते हो कि कल के दिन उन्होंने एक ट्वीट किया था, फनी फीलिंग नेक्स्ट क्वार्टर इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर गेमिंग इन इंडिया। और यहाँ पर देख सकते हो ओशन शर्मा जो आप लोगों का इंडियन BGMI कास्टर है, तो उन्होंने भी यहाँ पर रिप्लाई करते हुए दो आग दिखाया था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर अनुज टंडन एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं क्राफ्टन का, तो इनको मे भी शायद से कुछ पता होगा अंदर का बात कि यहाँ पर क्या हो रहा है BGMI का। देखो वो दूसरा कंपनी ज्वाइन तो कर चुके हैं लेकिन उनको पता हो सकता है क्योंकि क्राफ्टन का एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं, तो क्राफ्टन के कुछ और एम्प्लॉयज़ के साथ उनका बातचीत तो होता होगा मे बी, तो उनको शायद से पता है कि यहाँ पर क्राफ्टन कोशिश कर रहा है BGMI आप लोगों का बहुत ही जल्द आने वाला है। आप नेक्स्ट क्वार्टर मतलब आप लोगों का अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है एंड आप लोगों का जून तक चलता है, तो यहाँ पर अप्रैल से जून तक आप लोगों का कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए इन्होंने बताया कि आप लोगों का फनी फीलिंग मतलब नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल से लेकर जून के अंदर यहाँ पर कुछ शायद से होने वाला है, एंड जहाँ पर ओशन शर्मा ने दो आग दिखाया है मतलब हाँ होने वाला है ऐसा टाइप की यहाँ पर फील्ड जैसा दिखाया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैं आप लोगों को दो चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का BGMI का लेके यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ पर हिंट दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये हिंट दिया है कि आप लोगों का बहुत सारे गेमिंग यहाँ पर मतलब कंपनीज जो है गेम लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों का अपकमिंग क्वार्टर में, उसके लिए इन्होंने ऐसा पोस्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट्स बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि BGMI के रिलेटेड इन्होंने पोस्ट किया है या फिर दूसरे गेम्स भी आप लोगों का बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है उसके लिए इन्होंने ये पोस्ट किया है, आप लोग जरूर कमेंट्स बताना। मेरे को दोनों के दोनों ही लग रहा है, कभी कभी लग रहा है कि BGMI को लेकर इन्होंने शायद से यहाँ पर पोस्ट किया होगा, या फिर कभी कभी लग रहा है कि इन्होंने दूसरे गेम के जो कंपनीज है गेम लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, तो उसके लिए शायद से इन्होंने पोस्ट किया है। तो आप लोग जरूर कमेंट्स बताना कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि ओशन शर्मा ने रिएक्ट किया है, तो इसीलिए मेरे को लग रहा है कि BGMI हो सकता है क्योंकि BGMI का इंडियन कास्टर था ओशन शर्मा, तो एज अ रिजल्ट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर ओशन शर्मा को भी शायद से अंदर का बात थोड़ा बहुत पता है, तो एज अ रिजल्ट उन्होंने यहाँ पर रिएक्ट किया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर मतलब आप लोग का अप्रैल से जून मंथ के अंदर आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ हो सकता है BGMI को लेकर हो सकता है, या फिर दूसरे गेमिंग कंपनी से यहाँ पर गेम लॉन्च करने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है जरूर कौन सा बताना। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आप लोगों को बताना था कि आप लोगों का एक्स एम्प्लॉय ऑफ क्राफ्टन की तरफ से यहाँ पर क्या यहाँ पर कल के दिन ट्वीट किया गया है, तो वही मैं आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बताना, और ऐसे न्यूज़ आप लोगों को हर दम पाने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि मैं जब भी कोई ना वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरे को बहुत ही मोटिवेट करता है अपकमिंग वीडियोज़ डालने में। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को यही रखते, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिस्ट यू एंड पीस आउट।